हेलो एवरीवन, ये अल्कोहल फिनोल ईथर्स का लेक्चर 1 है। आई एम अरुण रैना। तो इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं इस चैप्टर का सिलेबस क्या रहेगा। सिलेबस रहेगा अल्कोहल्स का नॉमनक्लेचर पढ़ेंगे, इसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे, फिर उसके बाद प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अल्कोहल की आइडेंटिफिकेशन और फिर डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स। इसी तरह से फिनोल्स के केस में नॉमनक्लेचर प्रॉपर्टीज़, एसिडिक नेचर फिनोल्स का और इसकी रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्सिट्यूशन रिएक्शन, फिर ईथर्स का नॉमनक्लेचर और इसकी प्रॉपर्टीज़। तो फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं, व्हाट आर अल्कोहल्स। तो अल्कोहल्स क्या होते हैं, जैसे आपको पता है अल्केन, अल्केन अल्केन का क्या फार्मूला होता है, CnH2n+2। ये आपको अल्केन का फार्मूला पता है, इसको शॉर्टकट हम ऐसे भी लिखते हैं RH। तो इसका हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव बना दो, इसमें से H निकाल दो और OH लगा दो तो बन जाएगा, H निकाल दोगे कितना आ जाएगा, CnH2n+1, 2 था ना, 1 आ गया, और आगे OH लगा दोगे, ये बन गया अल्कोहल। या फिर ऐसे R में से H निकाल दिया माइनस और OH लगा दिया, ये बन गया अल्कोहल। तो हम कह सकते हैं कि अल्कोहल क्या होते हैं, हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव्स होते हैं, किसके, हाइड्रोकार्बन्स के। हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव्स होते हैं हाइड्रोकार्बन्स के, उनको कहते हैं अल्कोहल्स, ठीक है। फर्दर अल्कोहल्स जो होते हैं ये दो टाइप्स के होते हैं, एक होते हैं एलिफेटिक अल्कोहल्स, एलिफेटिक अल्कोहल्स, और एक होते हैं एरोमेटिक अल्कोहल्स। एलिफेटिक अल्कोहल्स क्या होते हैं, जिसमें OH ग्रुप अटैच होगा किसके साथ, इन विच OH ग्रुप इज लिंक टू एलिफेटिक कार्बन चेन, ठीक है। एलिफेटिक कार्बन चेन हो गई कोई अल्काइल ग्रुप, जैसे जैसे CH3OH आ गया, ये एलिफेटिक आ गया, C2H5 OH, ये एलिफेटिक आ गया। एरोमेटिक क्या होते हैं, एरोमेटिक अल्कोहल्स, एरोमेटिक अल्कोहल्स होते हैं जिसमें OH ग्रुप जो होता है, OH ग्रुप जो होता है वो अटैच होता है टू द साइड चेन ऑफ, टू द साइड चेन ऑफ एरोमेटिक रिंग, जैसे ये CH2OH, ऊपर CH2OH, यहाँ पे OH ग्रुप अटैच है किसके साथ, साइड चेन ऑफ एरोमेटिक रिंग के साथ, इसको कहते हैं एरोमेटिक अल्कोहल्स, ठीक है, क्लियर। तो अगर ये है जिसमें OH ग्रुप इज डायरेक्टली अटैच टू एरोमेटिक रिंग, इनको कहते हैं फिनोल्स। व्हाट आर फिनोल्स, फिनोल्स आर द हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव्स ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। फिनोल्स आर द कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड इन विच OH ग्रुप इज डायरेक्टली अटैच टू द एरोमेटिक रिंग, उनको कहते हैं फिनोल्स, एरोमेटिक अल्कोहल। और ये नोट करें सब, एरोमेटिक अल्कोहल्स क्या होते हैं, इन विच OH ग्रुप इज अटैच टू द साइड चेन ऑफ एरोमेटिक रिंग। एलिफेटिक अल्कोहल्स, इन विच OH ग्रुप इज अटैच टू द एलिफेटिक कार्बन चेन, क्लियर। तो अल्कोहल्स का फार्मूला क्या होता है, अल्कोहल का फार्मूला होता है CnH2n+1OH, ये है अल्कोहल्स। तो ये था अल्कोहल्स के बारे में। तो ये आ गया इंट्रोडक्शन। अल्कोहल्स आर द हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स हैविंग जनरल फार्मूला ROH या CnH2n+1OH, ठीक है। दैट इज ये रिएक्शन आपको यहाँ पे लिखनी है, दैट इज क्या आ जाएगा, RH और CnH2n+2, ये ले लिया हमने हाइड्रोकार्बन जाल के, इसमें से H निकाल दिया और OH अटैच कर दिया, ये बन जाएगा ROH, और इसमें से क्या किया, एक H निकाल दिया तो क्या रहा, CnH2n+1 और OH लगा दिया, ये बन गया अल्कोहल, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल्स, क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल्स में आप फर्स्ट लिखोगे एलिफेटिक, ये आपने लिखना है सब, एलिफेटिक एंड एरोमेटिक अल्कोहल्स। इसमें फर्स्ट आ जाएगा एलिफेटिक अल्कोहल्स, एलिफेटिक अल्कोहल्स, नो डाउन इट। एलिफेटिक अल्कोहल्स क्या होते हैं, इन विच OH ग्रुप
इज अटैच टू एलिफेटिक कार्बन चेन, मतलब एरोमेटिक नहीं है कार्बन चेन। एग्जाम्पल के लिए क्या आ जाएगा, एग्जाम्पल के लिए जैसे CH3OH आ गया, CH3CH2OH आ गया, ठीक है, इस टाइप के कंपाउंड्स। सेकंड है इसी में एरोमेटिक अल्कोहल्स। एरोमेटिक अल्कोहल्स क्या होगे, इन विच OH ग्रुप इज अटैच टू, OH ग्रुप इज अटैच टू साइड चेन ऑफ एरोमेटिक रिंग, साइड चेन ऑफ एरोमेटिक रिंग, ठीक है, लिख लेना साइड चेन ऑफ एरोमेटिक रिंग। एग्जाम्पल के लिए जैसे ये आ गया, इसमें डायरेक्ट नहीं अटैच करोगे, वो फिनोल्स बन जाएंगे CH2OH। इसको क्या बोलते हैं, रिंग पे CH2 लगाओ ना, रिंग पे CH2 इस पूरे पोर्शन को, इसको बोलते हैं बेंजाइल, कॉमन में बोलते हैं इसको बेंजाइल, और आगे OH लगा अल्कोहल, बेंजाइल अल्कोहल। डिपेंडिंग अपॉन की नंबर ऑफ OH ग्रुप्स कितने हैं, ये आगे एक टाइप की क्लासिफिकेशन, एलिफेटिक और एरोमेटिक, ये आपने नोट करनी है। डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ OH ग्रुप प्रेजेंट इन दैम, दे आर क्लासिफाइड इन टू फॉलोइंग टाइप्स। फर्स्ट है डिपेंडिंग अपॉन नंबर ऑफ OH ग्रुप्स, दे आर क्लासिफाइड एज मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स, डाईहाइड्रिक अल्कोहल्स और पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल्स। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स हुए जिसमें एक OH ग्रुप होगा, जैसे हम नॉर्मली पढ़ते हैं CH3CH2OH, CH3CH2CH2OH, एरोमेटिक की भी एग्जाम्पल ले लो, ये जो अभी पढ़ी आपने CH2OH, ये मोनोहाइड्रिक। डाईहाइड्रिक अल्कोहल्स क्या होते, जिसमें दो OH ग्रुप, जैसे हो गया CH2OH, CH2OH, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं जिसमें दो OH ग्रुप एडजेसेंट पे लगे होते हैं, इसको कहते हैं ग्लाइकोल, क्या कहते हैं, ग्लाइकोल, ठीक है। नाम इसका दूसरा नाम क्या आएगा, आपको पता है CH2CH2 को, डबल बॉन्ड को हम कॉमन में क्या कहते हैं, एक तो कहते हैं इथीन, एक कहते हैं इथाइलीन, तो ये नेचुरली इथाइलीन ही है लेकिन उसके OH लगा हुआ है, इसको कहते हैं इथाइलीन ग्लाइकोल, इथाइलीन ग्लाइकोल, क्लियर। जहाँ इसको कहेंगे 1,2 इथेन, 1 पे भी OH है और 2 पे भी, इथेन 1,2 डायोल, ये नोट करना है। नेक्स्ट है पॉलीहाइड्रिक, जिसमें दो से ज़्यादा अल्कोहल्स होंगे, जैसे ट्राईहाइड्रिक भी बोल सकते हो आप, जिसमें तीन होंगे CH2OH, CHOH, CH2OH, ये आ गया किसका, ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल का। इसका नाम क्या है, इसका नाम है ग्लिसरोल, ग्लिसरोल, और ये जो ग्लिसरीन यूज़ करते हैं ना, वही है ग्लिसरीन। और देखो 1,2,3 क्या आ जाएगा, प्रॉप, कौन सा बॉन्ड है, सिंगल एन, ई लिखोगे यहाँ पे, जहाँ पे आगे डी आ रहा है तो इथेन डायोल में, वहाँ पे भी लिखा हमने 1,2,3 ट्रायोल, ठीक है, ये आ गया पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल। इसी तरह से एक है जिसमें 6 OH हो, CH2OH, नेक्स्ट आ गया CHOH, 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 CHOH और CH2OH, इसको कहते हैं एल्डिटोल, एल्डिटोल, ठीक है, जहाँ फिर कह सकते हो इसको हेक्सेन 1,2,3,4,5,6 हेक्सोल, ये ठीक है एल्डिटोल। जहाँ इसको शॉर्टकट ऐसे भी लिख सकते हैं CH2OH, CHOH का होल 4, बार बार आ रहा है ना चार बार, और नीचे CH2OH, ये नोट करना है आपने सबने। तो डिपेंडिंग अपॉन नंबर ऑफ OH ग्रुप्स अल्कोहल्स को क्लासीफाई किया है, मोनोहाइड्रिक इसकी एग्जांपल्स करनी है, डाईहाइड्रिक उसकी एग्जांपल करनी है, ग्लाइकोल जिसमें दो OH ग्रुप लगे हों साथ साथ, ट्राईहाइड्रिक जिसमें तीन हो, पॉलीहाइड्रिक जिसमें तीन से ज़्यादा। तो ये लिखा है, फर्स्ट आ जाता है मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, सच अल्कोहल्स कंटेन ओनली 1 OH ग्रुप। नेक्स्ट आ जाता है डाईहाइड्रिक अल्कोहल, सच अल्कोहल्स कंटेन 2 OH ग्रुप। एग्जाम्पल्स कर लो, एग्जाम्पल्स अभी की हमने इसकी, जैसे CH3OH, इसका नाम क्या होगा,
एक इसका नाम आएगा, एक कार्बन है मिथ लिखोगे, सिंगल बॉन्ड है एन लिखोगे और लास्ट में ओ लगाओगे, ठीक है। दूसरा नाम है, एक कार्बन वाले को अल्काइल में लिखते हैं मिथाइल अल्कोहल, CH3CH2OH, इसका क्या नाम लिखोगे, दो कार्बन इथ सिंगल बॉन्ड एन ओल, जहाँ पे लिखोगे इथाइल अल्कोहल, ये आ जाएगा, ठीक है, क्लियर। डाइहाइड्रिक सच अल्कोहल्स कंटेन्स टू ओ एच ग्रुप्स, जैसे इसकी एग्जाम्पल क्या लिखोगे आप, इसकी एग्जाम्पल मैंने अभी बताई, CH2OH, CH2OH, क्या नाम इसको शॉर्टकट कह देते, ग्लाइकोल आई, जहाँ फिर कहते हैं CH2 को कॉमन में कहते थे इथाइलिन, इथाइलिन ग्लाइकोल। और सिंपल एक और दो, दो कार्बन है इथेन, वन पे भी ओ एच है, टू पे भी इथेन, वन टू डायोल, ये इसकी एग्जाम्पल आ गई। नेक्स्ट आ जाते हैं पॉलीहाइड्रिक, जिसमें मोर देन टू एच ग्रुप हो, इसकी एग्जाम्पल जैसे ये है CH2OH, CHOH, ये देखो कैसे कार्बन कैसे बनाने कैसे हैं, कार्बन के चार बॉन्ड है, एक तो ये आ गया, दो एच टू आ गए और ओ एच आ गया, चार करने हैं, CHOH, CH2OH, इसको क्या कहते हैं, ग्लिसरोल कहते हैं, जिसमें तीन हो, या फिर प्रोपेन 1 2 3 ट्रायोल कहेंगे। अब जब तीन है, ट्राई टी आ रहा है ना, कॉन्सोनेंट आ रहा है, तो ये ई जो अल्केन का ई होता है, इसको रिटेन रखना है, रखना है। इसी तरह से CH2OH और नीचे CHOH, चार बार आ जाए, चार और एक पांच हो गया और लास्ट में CH2OH आ जाए, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं एल डी टोल, ठीक है। और ये भी आ गया हेक्सेन 1 2 3 4 5 6 हेक्सोल, यह है पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल्स। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स की, नेक्स्ट आ जाती है क्लासिफिकेशन किसकी, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स की। तो इसमें क्या होता है, जो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स की आ जाती है, प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल एंड टर्शरी अल्कोहल्स। तो क्या होते हैं प्राइमरी अल्कोहल्स, प्राइमरी अल्कोहल जो होते हैं जिसमें OH, ये OH है, इसके साथ वाला कार्बन देखना है, ये जो कार्बन है, कार्बन अटैच टू फंक्शनल ग्रुप, कार्बन अटैच टू OH ग्रुप, इज डायरेक्टली अटैच टू वन आर नो कार्बन आइटम, उसको कहते हैं प्राइमरी। जैसे ये वन के साथ अटैच है, इधर कितने एच लिखने पड़ेंगे, चार करने के लिए एक दो वैलेंसी दो एच आने पड़ेंगे। तो ये हो गया कौन सा, प्राइमरी अल्कोहल, इन विच कार्बन आइटम अटैच टू OH ग्रुप इज डायरेक्टली अटैच टू नो आर वन कार्बन आइटम, इसको कहते हैं प्राइमरी अल्कोहल। और इसमें लास्ट में जैसे ये देख लो CH2CH2CH3, ये भी कौन सा अल्कोहल हुआ, प्राइमरी। किस कैसे, जिसमें ये जो कार्बन है, ये कितने के साथ डायरेक्टली, कितने के साथ अटैच है, एक ही के साथ अटैच है, तो ये आ गया प्राइमरी अल्कोहल। तो इसमें लास्ट में देखो कौन सा फंक्शनल ग्रुप आता है, CH2OH सब में आता है। तो ये लिखा है द मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स आर फर्दर क्लासिफाइड एज प्राइमरी अल्कोहल, इन सच अल्कोहल द कार्बन आइटम ऑफ OH ग्रुप, कार्बन आइटम ऑफ OH ग्रुप इज डायरेक्टली अटैच टू नो आर वन कार्बन आइटम, हेंस दे कंटेन द CH2OH ग्रुप, जैसे ये एग्जाम्पल्स आ गए। सेकेंडरी क्या है, जिसमें OH ग्रुप, कार्बन आइटम अटैच टू OH ग्रुप इज फर्दर अटैच टू टू कार्बन आइटम्स, जैसे ये इस साइड लिख लो CH3 और यहाँ पे CH3। तो ये देखना OH वाला कार्बन कितने के साथ, आप बैलेंस कर लेना, इसमें दो तीन हो गए, इसके वैलेंसी एक आ जाएगा, तो ये कौन सा है, सेकेंडरी। नॉमनक्लेचर हम इसका बाद में डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में अलग से, CH3CH2CH CH3। यहाँ पे भी देख लो, ये वाला जो OH के साथ वाला कार्बन है, ये देखना ये कितने के साथ अटैच है, एक इस साइड अटैच है, एक इस साइड अटैच है, ये भी क्या हुआ, सेकेंडरी अल्कोहल। तो इसमें सब में देखो क्या फंक्शनल ग्रुप, लास्ट में क्या बचता है, CHOH, दो कार्बन के साथ अटैच होता है इस साइड, तो इसमें फंक्शनल ग्रुप, इन सच अल्कोहल द कार्बन आइटम ऑफ OH ग्रुप इज डायरेक्टली अटैच टू टू कार्बन आइटम, हेंस दे कंटेन द CHOH ग्रुप, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट आ जाता है टर्शरी अल्कोहल, टर्शरी अल्कोहल में क्या होगा, जिसमें कार्बन आइटम ऑफ OH ग्रुप इज अटैच टू थ्री कार्बन आइटम्स, थ्री, यहाँ पे थ्री आएगा, थ्री कार्बन आइटम्स, जैसे ये आ गया CH3CH3CH3। तो इसमें फंक्शनल ग्रुप क्या रहता है, फिर COH। इन सच अल्कोहल द कार्बन आइटम ऑफ OH ग्रुप इज डायरेक्टली अटैच टू थ्री कार्बन आइटम, हेंस दे कंटेन द COO COH ग्रुप, ठीक है।
नेक्स्ट, अब यहाँ पे देख लो आप, नेक्स्ट आ जाता है अल्कोहल्स आर आल्सो क्लासिफाइड एज, ये भी नोट कर लेना आप, नोट करना पड़ेगा आपको, अल्कोहल्स आर आल्सो क्लासिफाइड एज एलाइलिक अल्कोहल, फर्स्ट आ जाता है एलाइलिक अल्कोहल, नोट करना एलाइलिक अल्कोहल। एलाइलिक अल्कोहल क्या होता है, OH ग्रुप जो अटैच होगा, OH ग्रुप वो अटैच होगा एक कार्बन एटम के साथ जो एडजेसेंट में उसके डबल बॉन्ड होगा, ये CH2 डबल बॉन्ड CH CH2H, ये वाला कार्बन एटम जो है इन सच अल्कोहल्स द कार्बन एटम ऑफ OH ग्रुप इज एडजेसेंट टू डबल बॉन्डेड कार्बन एटम। मतलब हम कह सकते हैं ये वाला कार्बन एटम कौन सा है, बता सकते हो ये कितने सिंगल बॉन्ड बना रहा है, सारे सिंगल बॉन्ड बना रहा है ना, ये हाइब्रिडाइज्ड कौन सा है, sp3, सिंगल बॉन्ड वाले की हाइब्रिडाइजेशन sp3 होती है, डबल वाले की sp2 होती है, ठीक है। तो इन सच अल्कोहल्स OH ग्रुप इज अटैच टू कार्बन एटम एडजेसेंट टू, ऐसे कार्बन एटम के साथ लगा हुआ है जो एडजेसेंट है किसके साथ, डबल बॉन्डेड कार्बन एटम, उसके साथ वाला जो कार्बन एटम है वो डबल बॉन्डेड कार्बन एटम है। एग्जाम्पल ये आ गया CH2 डबल बॉन्ड CH CH2OH, इसको कहते हैं, इसलिए इसका नाम भी ऐसे ही लिखते हैं, एलाइल अल्कोहल। एक होता है सेकेंड टाइप करनी है आपने, विनाइल अल्कोहल, विनाइल अल्कोहल। विनाइल अल्कोहल क्या होता है, इन अल्कोहल्स में OH ग्रुप अटैच होता है किसके साथ, डबल बॉन्डेड कार्बन एटम के साथ, CH2 डबल बॉन्ड CH CH OH, ये विनाइल अल्कोहल। तो लिखना है इन सच अल्कोहल्स OH ग्रुप इज अटैच टू डबल बॉन्डेड कार्बन एटम, डबल बॉन्डेड कार्बन एटम, ये भी आपने नोट करना है। जैसे ये एग्जाम्पल आ गई तो क्या होता है, फिर दोबारा से एक बार रिपीट करते हैं जो आज हमने पढ़ा है। तो फर्स्ट है अल्कोहल्स, अल्कोहल्स हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव्स होते हैं हाइड्रोकार्बन के, जिनका फार्मूला है ROH या CnH2n plus OH। तो डिपेंडिंग अपॉन कितने OH ग्रुप्स हैं, ये क्लासिफाइड है मोनोहाइड्रिक, डाईहाइड्रिक, पॉलीहाइड्रिक में। एलिफेटिक और एरोमेटिक अल्कोहल्स भी होते हैं, एलिफेटिक होते हैं जिसमें OH ग्रुप अटैच होगा एलिफेटिक कार्बन एटम, एरोमेटिक होते हैं जिनमें OH ग्रुप अटैच होगा साइड चेन ऑफ एरोमेटिक रिंग, अगर डायरेक्टली अटैच हो गया फिर वो फिनोल बन जाएगा, उसको हम बाद में देखेंगे। मोनोहाइड्रिक जिसमें एक OH होगा, डाईहाइड्रिक, और ये कुछ कुछ कॉमन एग्जाम्पल्स हैं, इनको आपने याद भी करना है इनके नाम। फिर उसके बाद क्लासिफिकेशन मोनोहाइड्रिक की, प्राइमरी, प्राइमरी में क्या होता है जो OH ग्रुप अटैच होता है किसके साथ, ऐसे कार्बन एटम अटैच टू OH ग्रुप डायरेक्टली अटैच होता है वन नो और वन कार्बन एटम। सेकेंडरी होता है, और इस प्राइमरी में फंक्शनल ग्रुप होता है CH2OH, सेकेंडरी होता है जिसमें कार्बन एटम ऑफ OH ग्रुप इज डायरेक्टली अटैच टू टू कार्बन एटम्स, इसमें कंटेन होता है CHOH ग्रुप। टर्शरी होते हैं जिसमें OH ग्रुप अटैच होता है थ्री कार्बन एटम्स के साथ, कार्बन एटम ऑफ OH ग्रुप अटैच होता है थ्री कार्बन एटम्स के साथ। और अल्कोहल्स एलाइलिक भी होते हैं, विनाइलिक भी। एलाइलिक क्या होते हैं, जिसमें अल्कोहल OH का जो OH ग्रुप है वो अटैच होता है कार्बन एटम के साथ एडजेसेंट टू डबल बॉन्डेड कार्बन एटम। और विनाइलिक अल्कोहल्स क्या होते हैं, जिसमें OH ग्रुप डायरेक्टली अटैच होता है डबल बॉन्डेड कार्बन एटम के साथ। ठीक है, थैंक्स।